हेलो गाइस, प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं। तो गाइस, हमें एयरपोर्ट पर जाना है और हमें ये वाला PNG ले लेना है। ओके गाइस, जो हमारा चैनल का लोगो होता है, जो हमारे चैनल की प्रोफाइल होती है। तो गाइस देखो, मैं इस तरीके से ले लिया है और नीचे ये सब्सक्राइब वाला भी लगा दिया है। तो गाइस ऐसे ही आप भी ले लेना। और गाइस फिर से हम जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर। ओके गाइस, फिर सिंपल सा हमें ये तीन पिक ले लेनी, मतलब कि एक इमेज को तीन बार ऐड कर लेना है। ओके गाइस, हमने तीन बार ऐड कर लिया है। अब देखिए गाइस, इसे मैं कट करके बताता हूँ आपको। फेसबुक का लोगो लेना है अभी। तो गाइस हम इससे कट नहीं करेंगे, हम कटआउट में जाके इसे लोगो को स्टिकर में कन्वर्ट कर देंगे। तो गाइस देखिए, मैंने फेसबुक पर क्लिक कर दिया, थोड़ा राउंड फेस कर दिया और ये देखिए फेसबुक का स्टिकर बन चुका है। तो गाइस इसी प्रकार से हमने ये स्टिकर बना लिया है और हम इसे सिंपल सा ऐड कर देंगे। तो गाइस हमें तीनों इमेज का स्टिकर बना लेना है। दूसरा स्टिकर मैं इंस्टाग्राम का बनाऊंगा, क्योंकि मुझे हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी इसमें ऐड करनी है। ओके गाइस, सिंपल सा इसको भी इसी तरीके से ड्रॉप करके स्टिकर बना लेना है। तो गाइस देखिए, मैंने ड्रॉप कर दिया है, इसका भी मैंने स्टिकर बना दिया है। तो गाइस ये कुछ रह गया है तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके सिंपल से ये देखिए मैंने एडजस्ट कर दिया है, सिंपल से हम इसे भी सेव कर लेंगे। तो दो स्टिकर हमारे रेडी हो चुके हैं, हम तीसरा स्टिकर भी कुछ इस तरीके से बना लेंगे। तीसरा स्टिकर मैं बनाऊंगा मेरे व्हाट्सअप का। तो गाइस मुझे व्हाट्सअप नंबर भी इसी लोगों में ऐड करने, जो कि हमारे कवर पर कोई भी आसानी से देख सकता है। गाइस आप सब यूट्यूब पर चैनल बनाते हो, बट आपका बैक कवर काफ़ी जनों का नहीं लगा हुआ होता, क्योंकि इमेज का साइज बड़ा होता है। तो गाइस आज मैं आपके लिए वो वाला बैकग्राउंड भी लाऊँ जिस पे आपका इमेज साइज एकदम परफेक्ट होगा। तो गाइस देखिए, ये कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉप कर लिया, मैंने व्हाट्सअप को भी, इसको भी सिंपल से हम सेव कर लेंगे। तो गाइस फिर हम सबसे ऊपर लगा देंगे फेसबुक का। अभी देखिएगा गाइस, मैं आपको लगा के बता रहा हूँ। तो गाइस वीडियो आप देखते जाइए, लास्ट तक देखना, और यही साइज है जो आपके बैक कवर में एडजस्ट सही से हो जाएगा। ओके गाइस देखिए गाइस, ये सेट हो रहा है। ओके ये देखिए, मैं आपको बताता जाता हूँ, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। ओके गाइस देखिए गाइस, मैं लगाता जा रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार से लगाते जाइएगा। ओके सिंपल सा हम ये व्हाट्सअप वाला भी ले लेंगे, नीचे की ओर कर लेंगे और सिंपल सा हम इसे भी ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। ओके गाइस देख सकते हो आप कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो गाइस अब इसमें हमारी डिटेल्स फिल कर देनी है, जो भी आपकी व्हाट्सअप की, सिंपल सा हम इसे भी डन कर देते हैं और फिर हम टेक्स्ट में जाके इसमें डिटेल्स फिल कर देंगे। जैसे कि आपकी फेसबुक आईडी जिस भी नाम से हो, आप वो नाम लिख के इसके आगे लगा देना। अभी मैं आपको लगा के बताऊँगा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सअप नंबर जो भी आप इसमें फिल कर सकते हो। उसमें काफ़ी सारे लोगों से, तो आप जो भी चलाते हो आप उसको ऐड कर सकते हो, ट्विटर, स्नैपचैट, कुछ भी। ओके गाइस, तो आप इसी प्रकार वैसे भी ऐड कर सकते हो। सिंपल सा देखो, ये मैंने डन कर दिया है, सिंपल सा ये डन हो चुका है और मैंने टेक्स्ट PNG इसमें लगा दिया है गर्विश साकला के नाम से। तो मेरी फेसबुक आईडी यही है, आप भी मुझे सर्च करके रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, गाइस मैसेज सर्च कर सकते हो आप मुझे। ओके गाइस सिंपल सा मेरे व्हाट्सएप नंबर भी इसी में मैं दूंगा और इंस्टाग्राम आईडी भी इसी में दूंगा। तो गाइस देख सकते हो, काफ़ी लोगों का कवर ये एडजस्ट नहीं होता है, मुझे भी पता है, पहले मेरा भी नहीं होता था। फिर मैंने भी कोई वीडियो देखी तो उसमें देखा कि ये वाला बैकग्राउंड ही एकदम एडजस्ट होता है। तो गाइस मैंने ये बैकग्राउंड डाउनलोड किया, फिर मैंने सोचा आपके लिए भी एक वीडियो बनाई दूँ, क्यों ना यूट्यूब की बैक कवर के लोगों पर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो गाइस मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो गाइस आप भी इसी प्रकार अपना लोगो बना सकते हो। ये देखिए गाइस, मैं नंबर भी ऐड कर दिए सिंपल सा। और अपना कोई यूट्यूब चैनल हो अदर, जैसे कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं बेस्ट फ्रेंड स्टोरी, लव स्टोरी एंड काफ़ी सारी कॉमेडीज एंड प्रैंक करता हूँ। तो गाइस आप जाके वो भी सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। तो गाइस फिर से हम जाएंगे एड फोटो के अंदर, सिंपल सा हमने इसे तो डन कर ही दिया है, अब हम आ जाते हैं एड फोटो के अंदर। तो गाइस यूट्यूब का जो लोगो होता है मैं वो भी ले लेता हूँ और सिंपल सा ऐड कर देता हूँ। साइड में हमारे थोड़ी जगह रह गई है तो हम वहाँ पे ये वाला लोगो ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से। ओके तो गाइस मैंने ऐड कर दिया, सिंपल सा हम टेक्स्ट में जाएंगे और हमें लिखना है हमारा जो चैनल का दूसरे चैनल का नाम है। सिंपल से मेरा टेक्स्ट रिस्ट जो नाम है वो मैं ऐड कर देता हूँ, सिंपल से मैंने लिख दिया टाइप करके और सिंपल से मैंने डन कर दिया। तो गाइस मैं कुछ इस तरीके से लगा दूंगा इसको मेरे लोगो के आगे। तो गाइस देखिए, इससे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, सिंपल से मैं इसे भी डन कर दूंगा। ये देखिए गाइस, एडजस्ट कर सकता हूँ छोटा बड़ा। ओके सिंपल सा ये मेरा हो चुका है, सिंपल सा मैं इसे डन कर दूंगा।
ओके, ये बैकग्राउंड एंड ऑल पीएनजी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आई बटन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके फुल एचडी में डाउनलोड कर लेना। सिंपल से हमें जाना है फिर से टेक्स्ट में, और फिर हमें टाइप करना जो हमारा चैनल का नाम है। तो गाइस मेरा चैनल का नाम है द जीएस, तो मैंने द जीएस टाइप कर दिया है, सिंपल सा मैंने टाइप कर दिया है, सिंपल सा मैं इसे डन कर दूंगा। तो गाइस मैंने डन कर दिया है, और ये देखिए गाइस मैं इसे कुछ ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाऊंगा फुल साइज में। ओके गाइस सिंपल सा फिर हम जाएंगे आउटलाइन में, तो आउटलाइन में मैं इसको कर दूंगा क्लिक और ब्लैक आउटलाइन कर दूंगा। ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया। फिर जाऊँगा मैं शेडो में, बस शेडो पर हमें क्लिक करना है, ओके, बाकी उसके अंदर हमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है। सिंपल से मैं इसे कर दूंगा डन। तो गाइस मैंने डन कर दिया है, ड्रॉ टूल में जाकर हम इसे सेव कर लेंगे, तो हमारी फ़ोटो काफ़ी एचडी लुक में सेव हो जाएगी। तो गाइस ये जो वाइट बॉर्डर है इसके अंदर अंदर ही हमें सब कुछ करना है, क्योंकि फ़ोन के अंदर हमें बस इतना ही दिखेगा, बाकी जो लैपटॉप के अंदर काफ़ी लोग चलाते हैं उनको ये पूरा बैक कवर दिखेगा। तो गाइस अधिकतर हमारे फ़ोन में देखते हैं, तो प्लीज़ आप भी इसी प्रकार से बनाइएगा, और आप बड़ा साइज में भी बना सकते हो अगर आपकी वीडियो ज़्यादा लैपटॉप में देखी जाती है तो। ओके गाइस तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन तो दबाए दें। ओके गाइस फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर करें।